हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी के द्वारा सभी वाहन बिना टोल शुल्क के आ जा रहे हैं। फास्ट टैग सर्विस से वसूली को भी बंद होने से टोल कर्मचारियों के नौकरी पर संकट मंडराने लगा, जिसके विरोध में आज टोल कर्मियों ने भी धरना देते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले बीते करीब 9 महीने से हाईवे पर आंदोलनकारी किसान ने बीते 4 दिनों से शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बैठे हुए हैं। बीते दिनों हरियाणा के करनाल लाठी चार्ज में किसान सुशील कायल की मौत के बाद से किसान गुस्साए हैं। उसी दिन से किसानों ने विरोध जताते हुए शाहजहांपुर टोल प्लाजा को टोल शुल्क से फ्री करा रखा है। तभी से यहां से बिना शुल्क दिए वाहनों की आवाजाही जारी है, जिससे टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहराने लगा, जिसको लेकर बीते दिनों से टोल कर्मचारी भी टोल मुक्त का विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज टोल कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। हमारी मांगे किसानों से कि भी आपकी लड़ाई सरकार से है कि आम जनता से? जब आम जनता दुख पा रही है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, तो फिर आपकी सरकार से लड़ो ना, हमसे क्यों लड़ रहे हो? जो भी मांगे आप उनकी करो। और यदि हम बेरोजगार हो गए हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? इतने परिवार जुड़ रहे हैं, इतने इससे टोल से वो जुड़ रहे हैं, ये टोल चालू नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा घर बर्बाद होंगे। एक तो कोरोना मार रहा है, दूसरा ये बेरोजगारी मारे। आप भूख हड़ताल पर कब तक बैठे रहोगे? अनिश्चित है, टोल खोलो ना, हम भूख हड़ताल क्यों बैठेंगे? जब टोल ही खुल जाएगा, हमें रोजगार मिल जाएगा, तो हम अपना काम करेंगे, किसान अपना काम करे। और कोई मांगे हो? नहीं, मांगे बस यही है कि भाई रोजगार मिले, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हम काबू नहीं पाएंगे। बच्चे फुटपाथ पे आ जाएंगे, हम तो खैर आ ही रहे हैं, हम किसानों से दूर नहीं है, किसानों के साथ ही हैं, लेकिन किसान सरकार से लड़े ना कि आम जनता से। ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कब तक क्या रहेगी? जब तक हमारा टोल चालू नहीं होगा, जब हम भूख हड़ताल करेंगे। क्या अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? अधिकारियों को हमको सबको बता दिया गया है। अब किसानों से हमने 5 दिन हो गए लगातार बात करते, उनकी बात हमारी बन नहीं पा रही है। अब ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहा तो कम से कम करीब 300 के आसपास ही कर्मचारी हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए हमने भूख हड़ताल कर रखी। जब तक हमारा टोल नहीं चालू होगा, जब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। क्या अधिकारी अभी तक कोई आपके पास आए? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं है अभी तक, कोई नहीं। अभी किसानों का क्या कहना है? किसान अपनी जीत के अड़े हुए हैं। हमने जाकर के 5 दिन में लगातार हम उनसे बात करते हैं रोज जाकर के, अभी हमारा टोल चालू करो, आपका जो धरना आगे चल रहा है वहाँ चले जाओ, लेकिन वो अपनी बात को मानने को तैयार नहीं हो, टोल चालू नहीं।